दिया अगर किस्मत ने साथ, तो खुदा की कसम गेम वो खेलूंगा कि सारा जमाना याद रखेगा। बदलना तो पड़ेगा अब खुद को, मगर भूलेंगे नहीं किसी को, ये तय है। याद रहेगा अच्छे से ये दौर भी और झूठे लोग भी। लड़की सबको देख के मुस्कुराती है, आप उसको अपना मन समझ लेंगे। तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुश नसीब समझ बैठे। रो रहा हूँ एक मुद्दत से, हो गया था इश्क बहुत शिद्दत से, और तजुर्बा है इसलिए कह रहा हूँ साला मौत अच्छी है इस मोहब्बत। अब मैं खुद भी नहीं चाहता कि कोई मुझे चाहे, बस कुछ वक्त की बात है, वक्त ही बदल देंगे। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। वो कहती थी मेरे छोड़ जाने के बाद तुम बर्बाद हो जाओगे, ले देख मेरी बर्बादी। क्यों मर जाओ मैं तेरे दो पल की मोहब्बत में, मुझे देखकर मेरी माँ मुस्कुराती है। तेरी मोहब्बत ने ये बात सिखा दी, हाय दुनिया की तमाम मोहब्बतें झूठी है। अगर उड़ते भी हैं तो अपने दम पे, माँ बाप के सिवा किसी का कोई एहसान। जिंदगी भर याद रहेगा ये दौर 2023 का, इस साल मैंने सब कुछ बदलते देखा है, रिश्ते भी दोस्ती भी और प्यार भी। जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए, ताकि ये इल्म हो जाए कि क्यों नहीं करनी चाहिए। जो तुम लोगों को पता है लड़कियां धोखा देती है, तो लड़कियों के पीछे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? टाइम के लिए कैसा बॉडी बनाएगा? कैसा बॉडी दिखाए? बॉडी दिखा, बॉडी जिम जाओ, बॉडी बनाओ, बॉडी ऐसे ऐसे बॉडी। शौक से जाओ जिसे जाना है, कोई और आएगा मतलब का जमाना। और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। मंजिल अगर आसमान पर है तो मुझे उसे उतारना होगा, अगर सब मेरे खिलाफ हैं तो सबको हारना होगा। आ रहा हूँ दुगनी आग लेकर, शब्दों में भी और सीने में भी। और हम सिंगल लड़कों का भी एक अलग ही एटीट्यूड है मेरी जान, हम अपने माँ बाप के अलावा किसी के बाप की नहीं सुनते। मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाओ। इज्जत ना हो तो रिश्ता कैसा, वो हर रिश्ता तोड़ देता है। मर्द अगर अपनी जिद पर आ जाए तो इश्क क्या बादशाहत तक छोड़ देता है। मर गया जो तेरे प्यार में मरने वाला वो शख्स, अब जो जिंदा है वो दरिंदा है। बेटा जिस रानी के तू स्टेटस लगाता है ना रोज, वो मेरी महारानी होकर गई है। 6 महीने लगेंगे, घबराना मत, गारंटी लेता हूं तुम 6 महीने अपने ऊपर काम करके देख लो, अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदले। लेकिन उतना धैर्य लोगों के पास नहीं है ना, कुछ लोग 5 दिन का को भाई इतना इम्पोर्टेंस मत देना, वो कट रही है जाने दो उसको। एक बार रोक लिया, दो बार रोक लिया, तीन बार रोक लिया, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, जाने दो, खत्म करो बात। और जब ये वापस आए, जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले तो उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई बाढ़ में गया प्यार व्यार, ये लव ओ के कैरेक्टर में अपन शूट नहीं करता। आपको क्या लगता है लड़कियां लड़कों में सबसे पहले क्या देखती हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसा। शायद माँ सच्ची कहती थी, तू अकेला है और तू अकेला ही काफी है। तुम्हें मुझको हराने में इतनी मेहनत लग रही है, सोचो
मुझे खुद को बनाने में कितनी लगी होगी। तुझे कोई पसंद आ गई है क्या? नाम बता। गरीब लोग हैं हम, हमारा इतना नसीब कहाँ है कि कोई हमें पसंद करे। अगर अमीर घर से हैं तो खाते रहिए ड्राई फ्रूट वगैरह, लेकिन अगर आप मीडियम फैमिली के हैं, हमारे पास ज्यादातर लड़का मीडियम फैमिली वाला रहता है, जो नॉर्मल खाना मिल रहा है खाइए, उससे कोई नहीं है, दाल चावल चोखा में भी वही दम है, नहीं तो ये जो बहुत बड़ा काजू किशमिश खा के बंद हुए हैं लोग ना। हम लड़के हैं जनाब, हम अपने बाप के लिए जान दे सकते हैं लेकिन पूरी जिंदगी उन्हें गले नहीं लगा पाते। पापा मेरी जान हर दम। मेरे भाई झूठ नहीं बोलूंगा, खुद के दम पे नहीं, आप सारे भाइयों के दम पे आ गया हूँ। मेरे भाई मेरे यार सारे नरे हथियार कार तू उगरा दिया, जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर।